नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह ओमी अपने शहर अलीगढ़ से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने अपडेटेड चैनल टेक्निकल बात में। आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे सैमसंग के साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर के बारे में। ये रेफ्रिजरेटर आपका 700 लीटर का होने वाला है। ये रेफ्रिजरेटर आपका सेकेंड जनरेशन का रेफ्रिजरेटर है इस मॉडल में। तो ये रेफ्रिजरेटर आपका 700 लीटर में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए इसी करते हैं अनबॉक्सिंग और बात करेंगे इसके फुल रिव्यू के बारे में और बताएंगे कि किस तरीके से आप इसको ऑपरेट करेंगे। तो ये रहा हमारा रेफ्रिजरेटर, ये इस समय पैक है। ये रेफ्रिजरेटर सैमसंग की तरफ से है और ये 700 लीटर में ग्लास फिनिशिंग के साथ ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जरा इसका साइड व्यू आपको दिखा देता हूँ, ये साइड से दिखा देता हूँ आपको। ये नॉर्मली एक अलमारी के जितने बराबर होता है। तो ये देखिए, ये बॉक्स हमने खोल लिया है और उसके बाद रेफ्रिजरेटर हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। और सेट करने के बाद ये रेफ्रिजरेटर कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे रख रखा है। तो इसका आप ओवरव्यू एक ले लीजिए, इसमें मैं आपको एक ओवरव्यू दिखाता हूँ कि इसकी लंबाई चौड़ाई आपको नाप करके भी दिखाऊंगा कि कितना ऊंचा है और हमारा पुराना रेफ्रिजरेटर के हिसाब से ये कितना लंबा चौड़ा देखने के लिए मिलता है। ये ग्लास फिनिशिंग के साथ है, ये यहाँ पे 8 mm का इस पे ग्लास लगा हुआ है। कॉस्ट की बात करें तो ये 110,500 रुपये की कॉस्टिंग से हमें पड़ी है इसकी। आप चाहे तो ऑनलाइन भी इसे परचेज कर सकते हैं या ऑफलाइन भी इसे परचेज कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन जब भी आप परचेज करेंगे इसे, तो HDFC का आपका अगर कार्ड वगैरह है या ICICI बैंक का कार्ड है तो 5% ऑफ या 10% ऑफ तक आपको डिस्काउंट इस पर मिल जाता है। तो इसको मैं साइड से दिखा देता हूँ, ये साइड से कुछ इस तरीके से है। तो ये 28 इंच चौड़ा है फ्रिज, वहाँ से लेके यहाँ तक जमीन से फुल हाइट है इसकी। एक पैनल ये है, फिर बीच में रेफ्रिजरेटर है, इसमें ये पूरा फ्रीजर है और फ्रीजर के बाद इसका इधर का पोर्शन है रखने का। तो चलिए इसे साइड बाय साइड दिखाते हैं और चेक कराते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन आपको देखने के मिलते हैं और ये कैसे यूज होता है। तो देखिए, मिरर में मैं साफ दिख रहा हूँ आप लोगों को। तो चलिए बताते हैं इसमें आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। ये आप देखिए, जैसे ये ड्रेसिंग टेबल है, ये ड्रेसिंग टेबल हमारी 6.5 फुट से भी ज़्यादा ऊंची है। तो ये इसके बगल में कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। तो यहाँ पे डोर साइड में आपको ग्रूव्स देखने के लिए मिल जाते हैं, ये डोर का खोलने के लिए यहाँ पे खांचा आपको यहाँ देख सकते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे ये आपको 2.5 इंच की पट्टी गैप मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे भी आपको ये पकड़ने की पूरी जगह मिल जाती है इसे खोलने के लिए इस तरीके से, और ये इस तरीके से खुल जाता है। साइड में चौड़ाई मैंने आपको बता ही दी है, इसकी 28 इंच की साइड की चौड़ाई आपको पूरी देखने के लिए मिल जाती है। इस पैनल की 3 इंच की डोर की मोटाई है, इसकी 1/2 इंच की आपकी ग्लास की मोटाई आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी जो इसमें कवर में पैक हुई हुई है। नीचे आपके ये इसमें स्टैंड मिल जाते हैं, ये घूमते हैं जहाँ पे भी आपको इसे सेट करना हो। उसमें आपको दिख रहे होंगे ये पहिए दिख रहे हैं, तो पहिए से इसे खींच के आप कहीं से भी ले जा सकते हैं। और जैसा भी आपका डोर का फ्लोर हो या आपका जैसा भी फ्लोर है, उस हिसाब से फ्लोर के हिसाब से इसे टाइट करके इसे एकदम फिक्स कर दिया जाता है। यहाँ पे इसमें आपको देखिए, ये साइड से है इसका डोर, इस पर पूरा सपोर्ट हुआ हुआ। और ये डोर आपका
कार के लॉक की तरह होता है, ये दो जगह इसमें एडजस्ट हो जाता है, मतलब आप इसे पूरा फुल खोलना चाहें तो पूरा फुल भी खुल जाता है और ये बीच में भी लॉक हो जाता है। तो इसमें यहाँ पे ये लॉकिंग का सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पे आके ये लॉक हो जाता है, पूरा पीछे खोलना है तो पीछे भी ये खुल जाता है। इसी तरीके से उधर भी दोनों डोर में ये दोनों तरह के सिस्टम दिए हुए हैं, ये ग्रूव्स दिए हुए हैं नीचे से देखें इसे ऊपर। 10 ईयर वारंटी ऑन कंप्रेसर, यानी कि कंप्रेसर की गारंटी आपको 10 ईयर की मिलेगी और पूरे फ्रिज की गारंटी आपको 1 साल की मिलती है। और ये आपका डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आपको ये फ्रिज देखने के लिए मिलता है, इसमें आपको किसी भी एक्स्ट्रा इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, ना स्टेबलाइजर की आपको इसमें कोई जरूरत पड़ती है। तो चलिए इसकी रैपिंग को हटाते हैं। ये हटा दिया हमने, इसकी स्नैपिंग को हटाते हैं। तो इसमें आपको ये दो डोर मिलते हैं, एक डोर आपका ये बड़ा मिलता है जो आपका रेफ्रिजरेटर का काम करता है, और दूसरा डोर जो आपको ये देखने के लिए मिलता है ये आपका पूरा फ्रिज का काम करता है, ये ऑल अराउंड क्लीनिंग के साथ आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको एक सेक्शन, दो सेक्शन, तीन सेक्शन, एक ट्रे आपको मिल जाती है। इसमें आपको तीन ट्रे देखने के लिए मिल जाएंगी, इसमें आइस क्यूब के लिए, इसको आप कहीं पर भी अपने हिसाब से उठा के रख सकते हैं। इसमें ये आइस क्यूब की है, इसमें आप पानी भरें, यहाँ से आप इसे निकाल के पानी भर के आराम से रख सकते हैं। और इस ट्रे को भी आप उठा के इनमें से किसी भी खाने में आराम से यहाँ पे, यहाँ पे या नीचे, और दो उसमें मीट वगैरह या किसी भी ऐसी रेफ्रिजरेशन रखने के लिए जिसको भी आप फ्रीजर में रखना हो, ऐसा किसी भी ज़्यादा सामान को आप इसमें बड़ी आसानी से रख सकते हैं। ये आपको बोतल होल्डर मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको सामान रखने के लिए एक ट्रे, दो ट्रे, तीन ट्रे, चार ट्रे और एक नीचे 5 ट्रे आपको यहाँ पे देखने के मिल जाते हैं। दो बकेट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, एक बकेट, दो बकेट और तीन सेक्शन, एक सेक्शन, दो सेक्शन, तीन सेक्शन और 4 सेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सेम इसी तरीके से ये इधर आपको रेफ्रिजरेटर मिल जाता है, रेफ्रिजरेटर जिसमें आप नॉर्मल अपनी सब्जियां वगैरह या और बाकी की सामान वगैरह आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 ट्रे मिलती हैं बड़ी, एक ये ट्रे आपको देखने के लिए मिलती है सब्जी के लिए, एक ऊपर फल के लिए मिलती है। फिर यहाँ पे आपको 4 सेक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन और 4 सेक्शन। इसमें जो सबसे अच्छी बात आपको देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पे स्टील की, हैवी स्टील की बोतल होल्डर आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें 1.25 लीटर की या 1 लीटर की 5 बोतल को आप बड़े ही आसानी से रख सकते हैं। और जैसा कि आप ये बीप सुन रहे होंगे, ये बीप इसके अलार्म, डोर अलार्म का ऑप्शन है, यानी कि 1 मिनट अगर आपका डोर लगातार खुलता है तो ये आपको बीप करके बताता है कि आपका डोर खुला हुआ है, तो आपको अपना डोर बंद करना है। ऐसे ही साइड में आपको ये 5 से 6 ट्रे आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिनकी चौड़ाई काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, कम से कम 6 इंच चौड़ी आपको यहाँ, ये बड़ी वाली ब्रेड का पैकेट है, उसके बाद भी 4 इंच की ब्रेड और 2 इंच यहाँ पे अभी गैप बचा हुआ है। तो किस इस तरीके से ये आपको 6 ऑप्शन यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको 2 लाइटिंग आपको यहाँ पर LED लाइटिंग का सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है, ये इसमें आप दोनों अगर खोलते हैं तो एक संग आपको 2 लाइटिंग खुलती है, और अगर आप इनमें से कोई भी डोर क्लोज करते हैं तो दूसरे एरिया की लाइटिंग और ज़्यादा ब्राइट हो जाती है, मगर इसमें आपको दिख नहीं रही हुई। तो कुछ इस तरीके से ये, अब जैसे मैंने फ्रीजर वाला एरिया खोल रखा है और ये अगेन उसका अलार्म चालू हो गया कि आपका डोर खुला हुआ है, आप इसे बंद कर दीजिए। और जैसे कि हम इसे बंद कर देते हैं तो ये अलार्म यहाँ पे आपका बंद हो जाता है। ट्रे की बात करें तो इसे सामान रख दिया हम लोगों ने थोड़ा सा, यहाँ पे आपको रोलिंग ट्रे आपको देखने के लिए मिलेगी, इसमें आपको पहिए का सपोर्ट है तो बहुत ही स्मूथ, ये सॉफ्ट हवा में ऊपर ही लटके होते हैं, ये नीचे टच नहीं होते हैं, जिससे कोई भी स्केच वगैरह इसमें नहीं लगता है। तो ये डिब्बे वगैरह सब इसी तरीके से रोलिंग पर है तो बड़े ही स्मूथ ये रन करते हैं। तो जैसे कि आप देखें, मैंने यहाँ पे फ्रूटी की बोतल वगैरह रखी है, अंदर की लाइटिंग वगैरह, ऑल अराउंड कूलिंग का सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। आपको मॉडल नंबर बता देता हूँ, आपको एक बात क्लियर बता देता हूँ कि 700 लीटर में ही इसी सैमसंग में ये 3 से 4 मॉडल आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिनकी प्राइसिंग 80,000 से 1,10,000 रुपए तक की रेंज में है। तो आप मॉडल नंबर नोट कर लीजिएगा, अगर आप लें तो मॉडल नंबर के हिसाब से लें, इसका मॉडल नंबर है RS72R50112C। ये मॉडल आपको
देखने के लिए मिलेगा 110,500 कुछ का। इससे नीचे का मॉडल 90,000 रुपए की रेंज में, इससे और नीचे का मॉडल 80-85,000 रुपए की रेंज में। ये तीन मॉडल आपको देखने को मिलेंगे 2018 से 2019 से 2020। तो ये 2020 मॉडल है, तो मॉडल के हिसाब से यहाँ पे ये मॉडल भी बदल जाएगा। तो मॉडल नंबर के हिसाब से आप जब कभी जाए मार्केट तो मॉडल नंबर के हिसाब से आप उसे लें। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर एंड सैमसंग के जितने भी कस्टमर केयर नंबर है उनकी यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। अब आपको हम बताते हैं इसमें आपको और क्या देखने को मिलेगा। इसमें कि आपको साथ में एग ट्रे, अंडे रखने के लिए एक ट्रे देखने के लिए मिलती है। एंड ये ट्रे मैंने अलग से परचेज करी है, आज ही मैंने ये परचेज करी है। तो ये ट्रे है और 16 अंडे की ट्रे एंड 14 अंडे इसमें आ जाते हैं। ये दो ट्रे हो गई हमारी, इसके लिए मैंने ये ट्रे ले रखी है। अब आपको इसका सिस्टम बताता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। तो ये जैसे लॉक है तो 3 सेकंड तक ये समय मैंने सेट कर रखा है, आप इसे 3 सेकंड तक दबाएंगे तो ये अनलॉक हो जाता है। जैसे ये देखिए, अब अनलॉक हो गया। इसके बाद आप इसको, ये लेफ्ट हैंड साइड का ये फ्रीजर है, तो ये जो माइनस डिग्री में जो टेम्परेचर दिया है ये फ्रीजर का टेम्परेचर दिया है। इधर लेफ्ट साइड का जितना भी पोर्शन है ये इस साइड का पोर्शन का है, और ये आपका फ्रिज का जो है ये इस साइड का पोर्शन का टेम्परेचर है। तो फ्रिज का साइज का इस समय जितना टेम्परेचर, इस समय जैसे मैंने खोल लगा तो इस समय इधर 8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिखा रहा है। जैसे इसे बंद कर दूंगा तो ये मैंने 7 डिग्री सेल्सियस, आप इसे सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब जैसे मैं आप सेट करके दिखाता हूँ, तो आप फ्रीजर को अगर सेट करते तो माइनस, इसमें देखिए 21, 22, 23, 24, तो 15 से लेके 23 तक आप इसको माइनस में फ्रीजर को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी 23 पे चलो सेट कर दिया। और आपके फ्रिज का इधर का टेम्परेचर सेट करना हो तो आप इसको दबा के 7 से लेके 8 से लेके 1 तक सेट कर सकते हैं, मगर आप 7 पे या 5 पे ही सेट करके रखें, क्योंकि 1 तक सेट करने के बाद आपकी सब्जियां फल वगैरह सभी जम सकते हैं बड़े आसानी। तो इसको आप 7 पे ही सेट करके रखें एंड उसके बाद आप इस लॉक के बटन को थोड़ी देर दबाए रखें तो ये आपकी सेटिंग जो है लॉक हो जाएगी। अभी इसे आप दबाएंगे तो इसमें आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया आपका इसे ऑपरेट करने का पूरा सिस्टम एंड इसके साथ एक मैनुअल गाइड भी आपको देखने के लिए मिलती है। तो इसका एक फुल अराउंड आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से आपका पूरा फुल डोर ओपन होने के बाद 3 फुट और 6 फुट का पूरा ये फ्रिज आपका देखने के लिए मिलता है। तो कुछ इस तरीके से आपको पूरा फ्रिज देखने के लिए मिलता है। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के साथ इसी तरह की। क्योंकि आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर इस फ्रिज के बारे में या किसी भी और तरह के फ्रिज या बेस्ट फ्रिजों की एक लिस्ट के बारे में आप चाहें तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं। तो ये इस फ्रिज का आपका ये देखिए, इस समय इसमें बीपिंग के साथ लाइटिंग भी दे रहा है, क्योंकि ये बहुत देर हो गया खुला हुआ ताकि हम लोगों का ध्यान इस पर जा सके। तो इसलिए मैंने इतनी देर तक ये खोल के रखा रहा 5 मिनट तक, ताकि आप लोगों को मालूम पड़ जाए कि इसमें कितने कितने तरह के ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं इसके इंडिकेटर के लिए। तो चलिए इस वीडियो को बंद करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।